बिल्कुल गोकुल सेठी एक नौजवान यंग लड़का है, कुछ करने की उम्मीद है उसमें। अगर सिरसा में कोई विकास कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गोकुल सेठी कर सकता है जी। आज काम बहुत कराए नहीं, दुख सुख चर्दे करे गए नहीं, गोपाल कांडा नहीं गया किसी देवी। बड़ी कांग्रेस को हमेशा ही चाहती है, बीजेपी ने तो नाश बट दिया सारा। इतनी उम्मीद थी उस पर खरे उतरे, उससे कम कम थे। हाँ जी, सिरसा में जो अभी हाल घड़ी जो चल रहा है नशे का, उसे रोकने के लिए जो पहले कदम उठाएगा हम उसके साथ हैं। बीजेपी ने जो फैसिलिटीज लोगों को देने का वादा किया था वो दे नहीं सके। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं मंजू कंबोज। सिरसा विधानसभा के शहर इस वक्त जो सिरसा में मौजूद हैं रोड़ी बाजार में, यहाँ पर पब्लिक क्या चाहती है, बात करें तो दुकानदारों का क्या कहना है, जनता इस बार किस ओर मुड़ना चाहती है, या फिर जो पहले यहाँ पर विधायक हैं उनके बारे में क्या कहती है, आइए जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ अंकल जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी नमस्ते। नमस्कार जी। जी क्या लगता है इस बार सिरसा में कांग्रेस की सरकार है जी, मतलब बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। कांग्रेस की बात करें तो मतलब गोकुल सेठिया? हाँ, गोकुल सेठिया या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट, यहाँ तो कांग्रेस के अब तो क्लियर हो चुके हैं गोकुल सेठिया। तो कैसे एक बंदे हैं? बढ़िया है, यंग लड़का है, काम करने वाला लड़का है, हमारी पसंद है। मतलब पूरा मतलब यही चाहते हो कि गोकुल कैंडिडेट कोई भी हो, अपना कांग्रेस से मतलब है, कांग्रेस हमारे को रोटी दी है, कांग्रेस का ही साथ देंगे हम तो। हाँ जी, क्या लगता है? नमस्कार जी, बदलाव जरूरी है जी, देश के कुछ बदलाव हो रहेगा जब भी कुछ बनेगा, वरना एक के हाथ में रहेगा तो कुछ होता नहीं, वो अपनी सरकार बनते हैं सब। अगर थोड़ा बहुत बदलाव रहेगा तो दोनों तरफ दबाव रहता है, बदलाव बहुत जरूरी है। तो इस बदलाव में क्या कुछ होना चाहिए? क्या कुछ होना चाहिए, कोई नया आएगा तो कुछ सोचेगा भी, इन्होंने ये गलती की है, ये गलती मैं ना करूं तो शहर में कुछ सुधार हो। मतलब आपका साफ साफ इशारा गोकुल सेठिया की ओर? हाँ बिल्कुल, गोकुल सेठिया एक नौजवान यंग लड़का है, कुछ करने की उम्मीद है, उसने हौसला है, आज तक 5 साल तक वो बैठा नहीं, खूब मेहनत की है उसने, तो इसी हिसाब से ये लगता है ये गोकुल सेठिया कुछ करके जाएगा। मतलब पिछले 5 साल में वो विधायक भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत की, किसी भी यहाँ भी कोई कारण था, किसी भी बस कोई गरीब आदमी के पास है वो मदद के लिए पहुँचते थे, और अब तो उनके पास मौका है हाथ में, अगर ये मौका उनके हाथ लग जाए तो वो कुछ करके दिखाएंगे। अगर इसी के साथ मैं यहाँ शहर के माहौल की बात करूँ, जैसे आप तो बाजार में रहते हो सारा दिन, ग्राहक भी आते होंगे, तो क्या चल रहा है? देखो जी, अभी तक तो इसकी आवाज़ अच्छी चल रही है गोकुल की, वैसे तो ये कुछ भी कह नहीं सकते, मगर जहाँ तक है कि ये गोकुल की आवाज़ बहुत अच्छी है, गांव से शहर से जो भी कहता है वो ये कहता है भी गोकुल अच्छा करेगा, अच्छा निकलेगा बाजार में भी। हाँ बिल्कुल यही माहौल है जी। हाँ जी अंकल जी, क्या लगता है इस बार? गोकुल सेठिया। हाँ जी, मैं वजह पूछूं? कारण कि अन्ना ने विधायक ना रहते हुए भी 5 साल से काम बहुत कराए नहीं, दुख सुख चर्दे करे गए नहीं, गोपाल कांडा नहीं गया किसी देवी। मतलब बदलाव होना चाहिए? बदलाव जरूरी है। फिर जे मैं गोकुल सेठिया की गल करा तो फिर वो कैवें जे दे बंदे ने भी लगदा भी काम करवाएंगे? खूब काम कराएगा, बहुत मेहनती लड़का है जी, ये युवा लड़का है, जज्बा है, पिछली बार 600 वोटा तो आ रहा सीगा, एक तरी 35,000 वोटा तो जीतेगा, पूरी श्योरिटी 35,000 वोटा तो क्लियर जीतेगा। किवें नहीं श्योरिटी? हां जी खूब साडे पूरा परिवार इना दे नाल है, ते नाल ही जिवें तुहाडे कोल ग्राहक भी आंदे ने भी किद्दां दीआं गल्लां चल, ओह भी कांग्रेस दी ही लहर दस रहे ने, 70 सीटां दिखा रहे हैं जी कांग्रेस दीआं हरियाणे च। गोकुल सेठिया के बारे में क्या? नहीं वो अच्छे, कांग्रेस को सभी चाहती है, बीजेपी को कोई नहीं चाहता। अगर गोकुल सेठिया की बात करूं तो पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसे के बंदे हैं, भी क्या उम्मीद कर रहे हो, जो आपने मेरे पूछने से पहले ही बताया कि गोकुल सेठिया? नहीं वो बहुत अच्छा बंदा और बड़ी कांग्रेस को हमेशा ही चाहती है, बीजेपी ने तो नाश बट दिया सारा 5-10 सालों में। मतलब गोकुल सेठिया मोड़ तो देखो, इस बार सरसा की राजनीति, अगर हरियाणा की राजनीति पलटती है, कांग्रेस आती है तो फिर सेठिया का फायदा देखो आने में। मतलब अगर हरियाणा में कांग्रेस की लहर है उस वजह से है, या फिर गोकुल सेठिया का अपना खुद का व्यक्तित्व है, कुछ काम व्यक्तित्व भी है और पर लहर भी है कांग्रेस की, देखो फर्क है काफी से, पर ये है ना पिछली बार भी सिर्फ 500 वोटर से हारा था, इसलिए इसके चांस ज्यादा लग रहे हैं इस बार सेठिया साहब के।
काम करवाने की जज्बे की या लोगों की समस्याएं सुनने की बात करूं तो आप प्राथमिकता किसको देंगे? देखो जी, जब इसके हाथ में राज आएगा तो ही पता लगेगा सेतिया का। इस वक्त जो रोड़ी बाजार में कपड़े की दुकान पर पहुंचे हैं, यहां पर क्या कहना है, क्योंकि यहां पे काफी सारी लेडीज भी आती है, तो इनसे ये भी जानेंगे कि लेडीज के मन में क्या चल रहा है। हाँ जी, नमस्कार। सिरसा में अगर राजनीति की बात करें तो क्या माहौल चल रहा है? माहौल ऐसे है जी, 50-50 है, गोकुल और कांडे में 50-50 है दोनों। 50-50 में अगर मैं बात करूं तो पहले जैसे कांडा यहां पर विधायक थे, उनकी अपेक्षा अगर 50 में आए हैं गोकुल सेतिया, तो उनके बारे में क्या? वो फिर उनके वो पुराने लिंक है ना, जैसे उनके जो नाना थे वो पुराने राजनीति में रहे हुए हैं, उनसे निकले हुए ये हैं, उनके जो पिताजी हैं वो सारे मतलब इनके रिलेशन में ना, उनके रिलेशन पुराने हैं, इसलिए 50-50 है। और अगर उनकी खुद की बात करूं तो क्या लगता है, अभी अगर जीतेंगे तो कोई काम करवा सकते हैं या फिर? उम्मीद तो है, देखो उम्मीद तो सबसे रखते हैं, पहले गोपाल कांडा से भी रखी थी उन्होंने, चलो देखो अब क्या कह सकते, साइड में कराए या नहीं कराए किसी के, साइड में करवाए या नहीं करवाए, अगर शहर की बात करूँ तो करवाए हैं या? मोटे होते ही है काम, जैसे गलियां गुलियां बनवानी है और है। जितनी उम्मीद थी उस पर खरे उतरे? उससे कम, कम थे। हाँ जी, तो अब गोकुल सेतिया से क्या? देखो यही उम्मीद करते हैं, हर को जिसी को बनाते हैं वो यही उम्मीद के लिए बनाते हैं भी चलो भी कुछ अच्छा कराए इस शहर का। तो अब मैं पूछना चाहूंगी कि कुछ बदलाव चाहते हैं या नहीं? बदलाव तो चाहिए ही, बदलाव तो चाहिए भी, कहीं ना कहीं सेतिया कुछ भी हो भी ऐसे ना भी थोड़ा सा बदलाव तो चाहिए। यहाँ पर कपड़े की दुकान में हमारे साथ एक दीदी है, देखते हैं इनके कस्टमर का और इनका क्या कहना है इलेक्शन को लेकर। हाँ जी, क्या लगता है इस बार सिरसा की राजनीति, बदलाव चाहिए या नहीं? बदलाव चाहिए, चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आनी चाहिए। देखो जो मेन मुद्दा है ना सिरसा में, जो अभी हाल घड़ी जो चल रहा है नशे का, उसे रोकने के लिए जो पहले कदम उठाएगा हम उसके साथ हैं। तो इसमें पहले 5 साल तो आजमा लिया एक विधायक को, अब दूसरी बार भी वही खड़े हैं और उनके मुकाबले में जो एक अलग प्रत्याशी है वो पहले यहाँ नहीं जीते हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं बदलाव? उम्मीद यही है कि कुछ अच्छा करेंगे, भला करेंगे, जो कमियाँ रह गई हैं अभी उनको पूरा करेंगे। बाकी जैसे आप कह रहे हो कि नशा बहुत ज्यादा है, जो नशे पे पकड़ करेगा, तो मैं पूछना चाहूंगी भी सेतिया से ये उम्मीद करते हैं कि अगर वो? बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि जो इतने सालों में नहीं हो पा रहा नशे को, अगर नहीं कंट्रोल किया जा रहा तो शायद गोकुल भैया इस स्टेज में कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। हाँ जी अंकल जी, क्या लगता है इस बार सिरसा की राजनीति में कुछ बदलाव होना चाहिए या फिर जो पहले जैसे चल रहे? बदलाव होना नहीं चाहिए, बदलाव हो गया है, तो जो आने वाले चुनाव हैं और जब रिजल्ट आएगा सब लोगों को पता लग जाएगा। और पूछिए जी, बदलाव की अगर बात करें तो आपका इशारा किस ओर है? कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी आएगी, क्योंकि कांग्रेस की लहर है और बीजेपी ने जो फैसिलिटीज लोगों को देने का वादा किया था वो दे नहीं सके, आर्थिक स्थिति में बीजेपी बिल्कुल फ्लॉप रही है, तो अब लोग बदलाव चाहते हैं। ये पीछे लोकसभा इलेक्शनों में भी पता लग चुका था भी कितनी सीटें कांग्रेस को मिली हैं, तो जो ये हवा है कांग्रेस के पॉजिटिव है, कांग्रेस ही आएगी और कांग्रेस का ही सीएम बनेगा। ये तो हुई सीएम की बात, और इसी के साथ अगर मैं सिरसा विधानसभा के एमएलए की बात करूं तो उसमें आप क्या कहेंगे? एमएलए देखो जी, अब जब कांग्रेस की हवा है तो कांग्रेस का कैंडिडेट ही विजयी होगा ना, और वही विधायक बनेंगे। अगर आगे मंत्री पद देना कौन सा देना है ये सीएम साफ सोचेंगे। मतलब आप साफ साफ कह रहे हो भी वो इतनी लीड से जीतेंगे कि उनको मंत्री पद तक मिले? देखो जी, जीत तो जीत होती है, चाहे वो आप पिछली बार गोपाल कांडा जी 600+ वोटों से जीते थे तो विधायक तो वो बने ना, तो जीत तो जीत है, चाहे 2000 की हो, चाहे 20000 की हो और चाहे प्लस हो। और एक्स्ट्रा विकास तो अब ये आप इधर कैमरा मारिए उधर बिजली की तारों की तरफ आप कैमरा मारिए, ये तारे हुड्डा साहब के टाइम में डली थी और उसके बाद ये ताले आप देख लियो, ये रोज स्पार्क करती हैं आपस में, ख़त्म हो चुकी हैं, तो इन तालों को तारों को डले कम से कम 18 साल हो चुके हैं, ये तारा अब खस्ता हालत में है, इसमें कोई भी बड़ा कांड हो सकता है, तो बिजली विभाग वाले कह रहे हैं कि अभी ये काम नहीं हो सकता,
क्योंकि आचार संहिता, आचार संहिता तो अब लगी है ना 15-20 दिन से, तो ये तो अब आप ये कोई 15-20 दिन में लटकने वाली तारे नहीं है। ये आपको भी दिख रहा होगा, इन तारों को बड़े मिनिमम 18 साल हो चुके हैं। ये जो रोड बनी थी ना, इस रोड को भी 18 साल हो चुके हैं। वो विकास तो भूपिंदर सिंह और के टाइम में इतना हो चुका था कि उसके बाद विकास की कोई जरूरत नहीं पड़ी, पर उस विकास को थोड़ा अगर ये और देख रेख करते तो हो सकता है कि और ज्यादा सुधार होता है। क्या लगता है इस बार सिरसा की राजनीति में कुछ बदलाव होना चाहिए या फिर पहले जो विधायक थे उन्हीं को प्राथमिकता दी जाए? नहीं, इस बार दोनों विधायकों में मतलब गोपाल कांडा और गोकुल कांडा के बीच मुकाबला है। गोकुल सेतिया के बीच मुकाबला है, लेकिन इस बार सिरसा की जनता बदलाव चाह रही है। मुझे लगता है कि इस बार यहाँ से गोकुल सेतिया चुनाव जीतेंगे। कहीं ना कहीं जैसे हमने पीछे भी लोगों से बातचीत की तो वो भी यही कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। मैं इस बदलाव का कारण जानना चाहती हूँ। हर आदमी बदलाव चाहता है कि उसके सरकार भी बदले। अब राजस्थान में भी ऐसा होता है, हर 5 साल बाद में बदलाव जरूरी है। देश में भी बदलाव जरूरी है, हर आदमी के लिए बदलाव जरूरी है। इस बदलाव में अगर मैं बात करूं, सिर्फ बदलाव के लिए ही गोकुल सेतिया को जिताना चाहते हैं या फिर उनकी पर्सनैलिटी, उन्होंने कुछ ऐसे काम करवाए हैं उस वजह से? जी, वो जनता के बीच रहे हैं, जब वो विधायक नहीं थे तब भी, और आगे जब विधायक बनाएंगे तब भी वो जनता के बीच में रहेंगे। उनके काम उनको जितवाएंगे, ना कि उनका नाम उनको जितवाएगा। मतलब पार्टी इतना मैटर नहीं करती जितना कि उनके काम मैटर करते हैं। अभी आगे आप उनसे क्या क्या उम्मीदें करते हैं? जी, उम्मीदें तो बहुत है उनसे, लेकिन हमें लगता है कि वो हमारी उम्मीदों पे खरा भी उतरेंगे, क्योंकि वो जब विधायक नहीं थे तब भी वो जनता के बीच रहे हैं, जनता की सेवा की है। बहुत से उन्होंने काम ऐसे हैं जो विधायक ने भी नहीं किए, और उन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ उस टाइम धरने वगैरह दिए थे, कमेटी में उन्होंने हमारे लिए लड़ाइयाँ लड़ी है। बहुत काम है उनके ऐसे, और आगे भी वो करते रहेंगे जी काम। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, काम करते हैं वो। मतलब कहीं ना कहीं गोकुल सेतिया से ही आप लोग जो ये दुकानदार हैं उम्मीद कर रहे हैं कि सिरसा शहर की ओर जो पहले ध्यान नहीं दिया गया, अब विकास की ओर अगर कोई लेके जा सकता है तो वो कौन है? गोकुल सेतिया ही है जी। अगर सिरसा में कोई विकास कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ गोकुल सेतिया ही कर सकता है जी, क्योंकि वो सिरसा का बेटा है, सिरसा का भाई है। वो सिरसा में विकास करेगा और जरूर करेगा, अगर उसकी सरकार नहीं भी हुई तो भी वो सिरसा में विकास करवाएगा। इतनी श्योरिटी कैसे दे रहे हो? उसको जानते हैं जी, हम पर्सनल जानते हैं, लोगों के बीच में देखा है उसको। कोई हमारा वैसे वो नहीं है कि हमारा कोई मित्र है या दोस्त है, लेकिन उसको काम करते हुए ऑन द फील्ड हमने देखा है। अभी वो पीछे बाढ़ आई थी तो इतने इतने पानी में भी उन्होंने काम किया था लोगों के लिए, भलाई के काम करते हैं वो, आगे भी करेंगे। हाँ जी अंकल जी, क्या लगता है इस बार सिरसा की राजनीति में कुछ बदलाव होना चाहिए या फिर पहले जैसे चल रहे वैसे ही? हम तो सारे चाहते हैं होना चाहिए सब, होना चाहिए। तो इस बदलाव में मतलब आपका इशारा गोकुल सेतिया की? हम सारे यही कह रहे हैं गोकुल सेतिया करे। सारे कह रहे हैं इसलिए या फिर आपको भी अच्छे? हमारे को भी अच्छे लगते देखो। तो अच्छे कैसे लगे? अब एक बार तो सारे कहते हैं गोकुल सेतिया आएगा, यही कह रहे हैं। मतलब उनसे आपको उम्मीद है कुछ भी अगर जीतेंगे तो ये विकास होगा या फिर ये काम होगा? अब जो कहते थे वो तो कहते सारे होगा, हाँ विकास होगा।